एक ऐसे संत जिन्होंने ईश्वरीय शक्ति का ज्ञान केवल 17 साल की उम्र में ही ले लिया था। इनके चमत्कारों की गुणवत्ता इतनी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और गूगल के CEO, यहाँ तक कि फेसबुक के मालिक भी इनके सामने सिर झुकाने इनके आश्रम आए थे। जी हाँ दोस्तों, ये संत और कोई नहीं बल्कि 20वीं सदी के सबसे जाने माने बाबा नीम करौली हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू इनसाइड। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा आश्रम, नाम है नीम करौली बाबा आश्रम। एकदम शांत साफ सुथरी जगह, हरियाली, सुकून, समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित है ये आश्रम। धर्मवल्लियों के बीच में कैंची धाम के नाम से मशहूर है ये आश्रम। यह आश्रम बनाया गया है बाबा नीम करौली महाराज जी के समर्पण में। हिंदू अध्यात्मिक गुरु के रूप में पूजे जाने वाले बाबा नीम करौली हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें मानने वाले उन्हें हनुमान जी का अवतार ही मानते थे। आइए जानते हैं उनके और कैंची धाम के बारे में। नीम करौली या फिर नीम करौली बाबा की गिनती 20वीं सदी के महान संतों में की जाती है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। नैनीताल भुवाली से 7 किलोमीटर दूर कैंची धाम आश्रम की स्थापना बाबा ने 1964 में की थी। 1961 में वे यहाँ पहली बार पहुँचे थे और अपने एक मित्र पूर्णानंद के साथ आश्रम बनाने का विचार किया था। केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा के चमत्कारों की चर्चा होती है। फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाबा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली को 17 वर्ष की उम्र में ही ईश्वर के बारे में बहुत विशेष ज्ञान हो गया था। हनुमान जी को वे अपना गुरु और आराध्य मानते थे। बाबा ने अपने जीवन में करीब 108 हनुमान मंदिर बनवाए। मान्यता है कि बाबा नीम करौली को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थी। हालांकि ये आडंबरों से दूर रहते थे। एकदम आम आदमी की तरह जीने वाले बाबा नीम करौली तो अपना पैर भी छूने नहीं देते थे। ऐसा करने वालों को वे हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। उन्हें इस युग के दिव्य पुरुष में से एक माना जाता है। उत्तराखंड स्थित कैंची धाम में जब जून में वार्षिक समारोह होता है तो उनके भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कैंची धाम में न केवल भारत के विभिन्न राज्यों बल्कि विदेशों से भी उनके अनुयायी यहाँ पहुँचते हैं। PM मोदी, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग जैसे हस्तियाँ भी बाबा की भक्ति में शामिल हैं। ये लोग कैंची धाम आश्रम भी आ चुके हैं। बाबा नीम करौली के इस पावन धाम को लेकर कई तरह के चमत्कारी किस्से बताए जाते हैं। एक जनश्रुति यह है कि भंडारे के दौरान एक बार घी की कमी पड़ गई थी, तब बाबा के आदेश पर नीचे बह रही नदी से कनस्तर में जल भरकर लाया गया। प्रसाद के लिए जब इस्तेमाल किया गया तो जल घी में बदल चुका था। एक और जनश्रुति है कि बाबा ने कड़ी धूप में अपने एक भक्त के लिए बादल की छतरी बनाकर उसे मंजिल तक पहुंचाया था। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड आल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर लिखी पुस्तक में उनके चमत्कारों का वर्णन किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी बाबा के बारे में जानते हैं या फिर आपने बाबा के आश्रम के दर्शन किए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।